और इधर थोड़ा सा इजी है, इधर मैग्नेट व्हील रहता है और कॉइल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस गियर पैडल को रिमूव कर लेंगे। 10 नंबर का बोल्ट है वो बाहर आ गया, उसके बाद हमारा पैडल बाहर आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हम लोग इस कवर को ओपन करेंगे और ये कुछ ठीक लग रहा है, लगता है स्क्रू ड्राइवर से ही बाहर आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा ये लूज है, नहीं ये बाहर नहीं आ रहा है। तो हमारा सारा स्क्रू लूज हो गया। अब इस प्लेट को हम लोग हटा लेंगे और यहाँ पे रहता है हमारा क्लच केबल अटैच्ड, तो इसे हम लोग हटा लेंगे। स्प्रिंग आ गया बाहर, उसके बाद इसे रिमूव कर लेंगे हम लोग। और इंजन जब आप रिस्टोर कीजिएगा या फिर से रिबिल्ड कीजिएगा इसे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आ जाएगा इस तरह से बाहर और ये बाहर आ जाता है। और ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये, बट मुझे आपको सारा डिटेल्स बताना है ताकि अगर इस तरह का इंजन या किसी दूसरे मोटरसाइकिल का 2 स्ट्रोक आप अगर रिपेयर करते हैं, आप आराम से कर सके बिना कोई टेंशन का। और देखिए हमारे साथ कौन कौन रिपेयर कर रहा है। ये है मेरा टर्की, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ ये भी आ जाता है, हमेशा अगल बगल ही घूमता रहता है। इसे भी रिपेयर रिलेटेड वीडियोस बहुत पसंद है। और ये आपका बाहर आ गया, उसके बाद हम लोग इस प्लेट को रिमूव कर लेंगे स्क्रूज को हटा के। ये हमारा बाहर आ गया और ये हमारा देखिए चेन कितना क्रिटिकल कंडीशन में है, पूरा रस्टेड है, बहुत दिन से चला नहीं है ये। और यहाँ से हम लोग इसे रिमूव कर लेंगे। ओ लगता है ये ब्रोकन है, यहाँ से टूट चुका है ये बाहर आएगा नहीं, इसे हम लोग को अलग स्टाइल से निकालना पड़ेगा। एडजस्टर ही टूटा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यही सब प्रॉब्लम हो जाता है। ओके ये बाद में निकलेगा, कोई बात नहीं साइड में कर देते हैं इसे। और उसके बाद हमें मैग्नेट रिमूव करना है और ये देखिए ये जो रॉड है यही क्लच को ऑपरेट करता है, छोटा सा रॉड है यही इधर से प्रेस करता है इस तरह से, तो उधर आपका क्लच ऑपरेट करता है इस तरह से, ये ऑपरेट करता है अप अप एंड डाउन इस तरह से। और इस स्क्रू से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें से मैंने नट ओपन किया था सेम यही इस तरह से मूव करता है, इसे हम लोग देखेंगे बाद में। ओके और नेक्स्ट इसके हेड को हम लोग ओपन कर लेंगे सिंपली, इस तरह के 4 नट और वाशर से अटैच रहता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसे ओपन किया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे होता है सीज्ड इंजन, तो सिंपली ये बाहर आ जाता है नट को अगर आप ओपन कीजिएगा तो बहुत इजीली आ जाएगा, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन में नहीं हो पाता है। इसमें कुछ भी नहीं रहता है, सिंपली एक कवर होता है ये, बट अगर वही आप 4 स्ट्रोक इंजन ओपन कीजिएगा तो इसमें टाइमिंग चेन यहाँ पे अटैच रहता है, उसमें कैमशाफ्ट रहता है, कैमशाफ्ट फिर उसमें रॉकर आर्म्स को ऑपरेट करता है, उसके बाद वाल्व्स लगा रहेगा यहाँ पे 2, या अगर किसी किसी में अब 4 भी आने लगा है पल्सर ये सब में, तो इतना सब कुछ रहेगा। बट इसमें सिर्फ एक सिंपली कवर रहता है 2 स्ट्रोक में, ये बहुत सिंपल इंजन होता है। और अगर आप पहली बार कोई इंजन ओपन कर रहे हैं तो 2 स्ट्रोक से आप स्टार्ट कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ऊपर आ जाएगा। बट ये सीज हो चुका है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे हम लोग निकालेंगे बाद में, पहले हम लोग साइलेंसर ओपन कर लेते हैं।
और जो आपका साइलेंसर है वो इस तरह से अटैच रहता है यहाँ पे दो बोल्ट के हेल्प से, तो आप अगर इसे रिमूव करेंगे यहाँ पे तो ये हट जाएगा, बट आपको यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा नहीं तो साइलेंसर बाहर नहीं आएगा। इसे आप हटा लीजिए और ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका साइलेंसर बाहर आ गया, इसे साइड कर लीजिए। और ये जो मैग्नेट व्हील है इसे ओपन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, इस तरह का मैग्नेट व्हील होल्डर आता है आपका, तो यहाँ पे दो होल आपको मिलेगा किसी भी मैग्नेट में, मैग्नेट व्हील में, तो आपको इस तरह से इसे लगा देना है और इस तरह से टाइट कर देना है। इसके बाद आपको हैंडल से इस तरह से ओपन करना है। सपोज अगर आपके पास वो टूल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास इम्पैक्ट ड्राइवर है तो इससे भी काम हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। इस तरह से इसे लीजिए, इस केस में ये 40 नंबर का है, और इससे थोड़ा सा टाइट रहता है ये, देखिए ये आपका बाहर आ जाएगा इस तरह से। और ये मेरा इंजन सीज है तो ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो एक और बेनिफिट है इसमें सीज किया हुआ इंजन में। और ये हमारा देखिए ये जो नट है ये बाहर आ गया। और इस मैग्नेट व्हील को निकालना भी थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप बहुत लक्की रहें तो ये कभी कभी हाथ से भी निकल जाता है, बट 90% केस में ये बाहर नहीं आएगा हाथ से। और अगर आप इसे हैमर से इस तरह से करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए एक कूलर आता है इस तरह का सिंपली, वो 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ का, और इस पुलर के हेल्प से आप इसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। और सबसे पहला काम कीजिए कि इसमें एक स्टील बॉल कहीं से भी आपको मिल जाएगा, साइकिल शॉप, एक स्टील बॉल इसमें इंसर्ट कर दीजिए। अगर आप स्टील बॉल इंसर्ट नहीं करेंगे तो इसका ये डैमेज हो जाता है पोर्शन, और जब इसमें आप नट लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। लगा देना है, इसे टाइट कर देना है एकदम। हर एक कंपनी के लिए अलग आता है मैग्नेट व्हील पुलर, इसका थ्रेड अलग रहता है। इसे आप टाइट कर दीजिए इस तरह से, ये कंप्लीटली टाइट हो गया। अब सिंपल सा है, इसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं ताकि और इजी हो जाइए, और इसे इस तरह से आप इंसर्ट कीजिए और इसे होल्ड करके यहाँ से आपको इस तरह से मूव करना है। थोड़ा सा ही आप कीजिएगा तो ये जो मैग्नेट व्हील है आपका बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, और जैसे ही ये बाहर आएगा आपका ये ढीला हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये आपका बाहर आ गया मैग्नेट व्हील, देखिए रस्टेड हो गया है पूरा यहाँ पे, तो इस तरह से आपका निकलेगा ये मैग्नेट व्हील। और यहाँ पे आपका कॉइल है, और आप इसे फिर बाद में इसे ओपन कर लीजिए आराम से, ये निकल जाएगा आपका। और ये है आपका स्टील बॉल, इसे सेफ्टी रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम काम में आएगा।